वेलकम व्यूअर्स टू हेल्थियर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें यूरिक एसिड में क्या नहीं खाना चाहिए, यानी हमें किन चीजों से परहेज करना चाहिए। तो यूरिक एसिड में किन खाद्य पदार्थों को नहीं खाना है, ये जानने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि यूरिक एसिड बनने के शरीर में क्या नुकसान होते हैं। जोड़ों में दर्द होना, पैरों के अंगूठे में दर्द होना, पैरों की एड़ियों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन आ जाना, शुगर लेवल का बढ़ जाना या फिर जोड़ों में गांठ पड़ जाना, सोते समय पैर में जकड़न सी महसूस होना, उठते और बैठते समय जोड़ों और घुटने में दर्द महसूस करना, यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ मुख्य लक्षण हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो यह छोटे क्रिस्टल्स के रूप में हमारे पैरों और हाथों के जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जॉइंट्स में चुभन जैसा तेज दर्द होने लगता है। तो ये तो हुए कुछ कॉमन लक्षण शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के। आइए अब देखते हैं कि हमें यूरिक एसिड बढ़ने पर किन चीजों से परहेज करना चाहिए। कुछ कॉमन फूड आइटम्स हैं जैसे कि दही, दही चावल, ड्राई फ्रूट्स, पालक आदि हमको नहीं खाना है क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा दूध या दाल, रात को सोते समय दूध या दाल का सेवन करना हानिकारक है। इससे शरीर में ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। स्पेशली छिलके वाली दालों से पूरी तरह से परहेज करें। नॉनवेज आइटम्स ना खाएं। जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं उन्हें तो मीट, अंडा, मछली का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। नॉनवेज फूड आइटम्स खाने से शरीर में यूरिक एसिड तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा बेकरी फूड आइटम्स से आपको परहेज करना है। बेकरी फूड आइटम्स में जैसे कि पेस्ट्री, केक, पैनकेक, सफेद ब्रेड, कुकीज, क्रीम बिस्किट आदि से आपको परहेज करना है। ट्रांस फैट से भरपूर खाना यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ाता है। जंक फूड में आपको सोया मिल्क, जंक फूड, चटपटे खाद्य पदार्थ, ठंडे पेय, तली भुनी चीजों से परहेज करना है। शराब और कैफीन में आप शराब, कैफीन, अल्कोहल, धूम्रपान से बचें। इन चीजों से यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है। इनमें ईस्ट होता है जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। पानी पीते समय भी हमको स्पेशली ध्यान रखना है। खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पिए। खाने से आधे घंटे पहले या फिर खाने के आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आपको शुगर युक्त पेय पदार्थ से परहेज करना है, जैसे कि शहद हो गया, उच्च फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप, मीठे जूस या चीनी वाले फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि से परहेज करें। खमीर वाली चीजें भी नहीं खानी है। यूरिक एसिड के बढ़ने पर हमें किसी भी टाइप के खमीर से परहेज करना होता है। तो ये तो हुए कुछ फूड आइटम्स जो यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने पर हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको क्या खाना चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अक्सर हमारे शरीर में दर्द रहता है जिस पर हम कोई खास ध्यान नहीं देते। ये छोटी छोटी समस्याएं धीरे धीरे बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि हेल्थ से जुड़ी कोई भी समस्या छोटी नहीं होती। समय समय पर अपने शरीर की जांच जरूर करवाएं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है। तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।